विरोधी पक्ष के द्वारा किसानों की मांग को लेकर सभागृह में बैनरबाजी की गई। उसी दौरान सेना विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा बैनर छीना गया था। इसे मुद्दे को लेकर भाजपा विधायक अभिमन्यु पवार ने INBCN से बातचीत की है। आइए डालते एक नजर पवार का क्या कहना है। बैनरबाजी जो है बैनरबाजी पहली दफा नहीं हुई है, इससे कई सालों से प्रक्रिया चल रही है बैनरबाजी की। मैंने आज बैनर फड़काया है, माननीय अध्यक्ष जी के साथ हमने बात कर रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी उनके हाथ में पूरा राज्य का कारोबार है, उन्होंने स्वयं घोषणा की थी कि 25,000 रुपये किसानों को पर हेक्टेयर देंगे, अभी उनके उनका हाथ में है तो वो दे सकते हैं। हमने वही मांग किया, हमने कभी 1,00,000 रुपये में नहीं मांगे, हमने कभी 50,000 रुपये नहीं मांगे। बैनर उन्होंने शिवसेना के एक माननीय सदस्य थे, उन्होंने मेरे बैनर खोजने की कोशिश की लेकिन मैं मेरा बैनर पकड़ के रहा। दूसरे सदस्य आए, उन्होंने मेरे साथ जो नारायण कुछ MLA थे उनको धक्का बुक्की किया, लेकिन अनफॉर्चुनेट ऐसा होना नहीं चाहिए। इसी तरह अगर चलता रहा तो 5 ही दिन का शोषित सत्र है। किस देखो किसानों के लिए हम लड़ेंगे, किसानों ने हमें भेजा है, हम किसानों की वकालत यहाँ करते हैं। किसानों ने हमें भेजा है, किसानों की वकालत हम करते हैं, ऐसा अभिमन्यु पवार इन्होंने कहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख।